हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए इक्वल होगा कॉस बी के, दिखाइए कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। हमारे पास सिंपल क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है और आपका कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। तो हमको क्या निकालना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसमें। तो सिंपली जब हम इसमें डायग्राम बना लेंगे तो हमें समझने में इजी पड़ेगा। अब यहां पर एंगल ए और बी की बात हो रही है तो इसको एंगल ए मान लो, ठीक है, और इसको एंगल बी मान लो, ठीक है, और इसको आप परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल सी मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। तो यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है, जो कॉस ए है वह इक्वल है आपका कॉस बी के, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो है इसको निकालने के लिए एक इजी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ठीक है। तो ये वाला हमारा साइन, ये वाला कॉस और ये वाला टेन, ठीक है। तो हमें अभी सिर्फ कॉस की जरूरत है, तो अभी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस ए यानी कि एंगल ए की बात कर रहा है, तो जब एंगल ए की बात करते हैं तो ये वाली साइड हमारी क्या बन जाती है, बेस बन जाती है, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बन जाती है। तो कॉस के लिए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां लिख दो सिंपली बेस अपॉन आपका हाइपोटेनस, ठीक है। दैट मीन्स बेस क्या है, सिंपली इसके लिए हमारा बेस एसी हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे एसी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपका, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका एबी ही रहने वाला है, क्योंकि कर्ण आपका चेंज नहीं होता है एबी, ठीक है। बेस यानी कि आधार बटे हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा। देखो एंगल ए की बात कर रहा था कॉस ए, तो जब हमने एंगल ए की बात करी तो ये वाली साइड हमारी बेस यानी कि आधार बन जाएगी और ये वाली आपकी लंब यानी कि परपेंडिकुलर बन जाएगी। इक्वल होगा किसके, कॉस बी के। तो कॉस बी यानी कि एंगल बी की बात कर रहा है, तो ये वाला हमारा बेस बन जाएगा और ये वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस में, तो यहां लिख सकते हैं हम सिंपली क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या है बीसी और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा एबी, ठीक है। अब हम इसको मिटा सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एसी अपॉन एबी इक्वल होगा बीसी अपॉन एबी के, ठीक है। अब इस एबी को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो अपॉन वाली जो वैल्यू होती है हमेशा कोई भी नंबर होता है तो इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो सिंपली वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी, तो ये हो जाएगा एसी अपॉन एबी मल्टीप्लाई एबी इज इक्वल टू बीसी, ठीक है, क्योंकि इधर इज इक्वल टू के इधर तो आपका बीसी ही बचेगा, एबी से हमारा एबी कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स एसी इक्वल होगा हमारा बीसी के, ठीक है। अब एसी क्या है हमारा, एसी हमारी दैट मीन्स ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के। अब इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी लगने वाली है कि जब हमारे अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स एसी साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एसी साइड ये रही, इसका अपोजिट एंगल बी होगा, तो दैट मीन्स एंगल बी इक्वल होगा बीसी साइड का, जो है इस साइड का अपोजिट एंगल ए है, तो दैट मीन्स एंगल ए, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के। ये जो प्रॉपर्टी हमारी लगती है इसमें, तो वो कौन सी लगेगी, वो लगती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं, कब, जब हमारी जो साइडें होती हैं अपोजिट साइडें वो
इक्वल होती हैं। तो दैट मींस अपोजिट साइड का एंगल, अपोजिट एंगल क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो इस वाली साइड का अपोजिट एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के। और इसके लिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल, यानी कि जब हमारे एंगल अपोजिट होते हैं तो वह इक्वल होते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है, जब हमारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो दैट मींस अपोजिट साइड का एंगल हमारा इक्वल होगा, इस साइड का ये वाला एंगल इक्वल होगा। यही हमको प्रूव करना था जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। बस इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व करना था, तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा / 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट दे रखा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। दैट मींस हमको इन दोनों पार्टों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो यहां हम लिख देंगे cot थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/8, ठीक है। तो जब हम हमेशा cot की बात करते हैं, cot की जब हम बात करते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू, यहां पर आप cot थीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आधार बटे आपका लंब होगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सिंपली बेस अपॉन आपका परपेंडिकुलर। तो दैट मींस सिंपली आपका बेस और परपेंडिकुलर, तो डायग्राम बना लेते हैं, इससे आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। इसको ए, ये बी हो जाएगा और ये सी, ठीक है। तो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, बीसी है, और लंब हमारा क्या है, यानी कि एबी है। तो बेस हमारा बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर एबी। तो यहां कर लेंगे हम लेट बेस इज इक्वल टू, यानी कि बीसी इज इक्वल टू, बेस क्या है बीसी, तो बीसी को क्या मान लेंगे हम, 7k, ठीक है। और हमारा जो 8 है, तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एबी, तो इसको मान लेंगे एबी इज इक्वल टू 8k, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। तो बेस हमारा कितना है, 7k, तो यहां 7k, और आपका परपेंडिकुलर एबी, तो आपका 8k। अब इसमें हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी कि आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस हमको निकालना है, वो कितना है, एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AB, तो ये हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि बेस क्या है हमारा, BC, यानी कि 7k का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर ही आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13 का 3 1 कैरी 6 और 4 10 तो 1 कैरी है तो 11, ठीक है। और आपका इधर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, इस स्क्वायर को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट यानी कि रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट 113 k स्क्वायर। अब अंडर रूट 13 हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन k हमारा यहां से बाहर निकल जाएगा, इस स्क्वायर से इस k का रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस AC की वैल्यू आ जाएगी रूट 113 के, ठीक है। अब AC की वैल्यू आ चुकी है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन डालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है, तो इसको इधर ही सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हमारे पास 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, तो इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है जिसके बिहाफ पे हमको और भी इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास a प्लस बी और दूसरा है a माइनस बी का, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी
स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में सेम सेम है तो पहली वाली वैल्यू हम a की मान लेंगे, तो a इज इक्वल टू वन मान लो और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास सिंपली इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन और साइन थीटा का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा वन का स्क्वायर माइनस और फिर क्या है बी का स्क्वायर, बी हमने क्या माना है साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेम चीज हमारे नीचे भी हो जाएगी, या नीचे क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस यहां कॉस थीटा है तो यहां होगा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब सिंपली हमारे पास ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का भय है वो आज खत्म होने वाला है और आप इसमें इंटरेस्ट लेने वाले हैं, तो हम इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या क्या आया है, वन का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां नीचे भी क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर और अपॉन में क्या था कॉस था, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर वन का स्क्वायर वन ही आएगा, ठीक है। और जब हम साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है हमारे पास साइन का स्क्वायर थीटा इस टाइप से, और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास वन का स्क्वायर वन माइनस इसका भी सेम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास साइन के लिए क्या होता है, तो यहां पर हमारा ये कितना आया था, ये वाला आया था हमारा रूट 113 के, ठीक है। अब जो है पहला वाला हमारा साइन होता है, तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सिंपली हमारा वन माइनस, अब वैल्यू पुट कर देंगे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8k, तो यहां ऊपर आ जाएगा 8k अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, हाइपोटेनस कितना है ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट 113k का, अब यहां पर होल स्क्वायर था तो यहां आ जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस हमारा ये वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या था लंब बटे आपका कर्ण और बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा 7k, तो आगे 1 माइनस इधर क्या आ जाएगा 7k अपॉन, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है ये हमारा रूट 113k, ठीक है। अब कर दो इसको सॉल्व और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो अब स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा इस k से हमारा k कैंसिल, इस वाले k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 113 अपॉन, अब क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा अपॉन में इसका भी रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 113, ठीक है। अब जो है इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अब जो है सिंपली इसके बाद क्या होगा, यहां अपॉन में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहां वन है तो जैसे ये फ्रैक्शन में है इसको भी फ्रैक्शन में बदल देंगे, ये फ्रैक्शन में है इसको भी फ्रैक्शन में बदल देंगे, थोड़ा सही से लिख लेते हैं 1/1, ठीक है। अब देखिए अब ये भिन्न में थी तो इसको भी भिन्न में बदल दिया, ये भिन्न में थी तो इसको भी भिन्न में बदल दिया। अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 113 आएगा, तो यहां लिख देंगे 113, ठीक है। दूसरी चीज अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 113 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 113 माइनस इस 1 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 64। अब करेंगे नीचे वाले को सॉल्व, यहां भी सेम कंडीशन, यहां भी क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा यहां, एलसीएम यहां भी हमारा 113, ठीक है। अब दोनों भिन्न में है फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाके हमारे क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद एक स्टेप और है हमारा ये वाला, ठीक है। तो 113 में से 64 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपली 64 में 6 ऐड करेंगे तो ये 70 और 30, ठीक है 36, और 36 में जो है सिंपली आपका 10 ऐड करेंगे तो 46 और ये आ जाएगा 49, यानी कि 49 अपॉन 113 अपॉन, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। एंड सिंपली देखो, यहां हमने कैरी लिया था तो यहां 0, तो 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6, और अपॉन में आ जाएगा आपका 113। अब आपका क्या आ जाएगा, सिंपली इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको इससे काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये उल्टा होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, तो उससे अच्छा हम यही इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा, 49/64, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 49/64। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहां सेकंड पार्ट लिख देंगे, सेकंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे हम कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे यही, तो यहां इसको आगे ना करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर तो यही होने वाला है हमारा। तो सिंपली हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लगाया हुआ है, और अगर कहीं पर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखें दोबारा से, और सिंपली उसके कारण आपका जो डाउट होगा कहीं पे वो क्लियर हो जाएगा। एक दो बार जरूर देखें, क्योंकि एक ही बारी में आपका कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, तो आप एक दो बार देख करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।